दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं कालू और आप देख रहे हैं कालू LIC। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ग्राहक जैसे नया भी करता हो या पुराने भी करता हो, ग्राहक कहां से लाए और ग्राहक हमें कहां मिलेंगे दोस्तों, ताकि हमारा टारगेट पूरा हो जाए और जिस भी क्लब का हमने जो मानस बनाया था वो क्लब मेंबरशिप हमें हासिल हो जाए दोस्तों। इससे पहले मैं आपको उदाहरण लेके समझाता हूँ। जैसे मान लो मारुति की जो स्विफ्ट गाड़ी है उसके बारे में मैं आपको ये पूछूं कि आपने आज कितनी गाड़ियाँ देखी हैं, तो आप मुश्किल से मुझे 2 या 3 या 4 गाड़ी, अधिकतम 5 गाड़ियों के बारे में बता पाएंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये कह दूं कि कल आप मुझे देख के बताओ कि आपने कितनी गाड़ियाँ देखी दोस्तों, कितनी स्विफ्ट गाड़ियाँ आपने देखी, तो दोस्तों आप निश्चित ही 15-20 गाड़ियों के बारे में बता देंगे, क्योंकि फिर आपने टारगेट बना लिया कि आज मुझे ज़्यादा से ज़्यादा स्विफ्ट गाड़ियाँ देखनी है, तो आप ज़्यादा ही गाड़ियाँ देखेंगे दोस्तों। दोस्तों ये जो 2 आंखें हैं हमारी, ये वही चीज़ देखना पसंद करती हैं जो हम पसंद करते हैं देखना, वही ये 2 आंखें देखना पसंद करती है दोस्तों। तो इसी प्रकार हम LIC के ग्राहक भी देखेंगे दोस्तों, और हम ये देखेंगे कि कहाँ से हमें LIC के लिए ग्राहक मिलेंगे और कहाँ हमारी पॉलिसियाँ सेल होंगी दोस्तों। दोस्तों एक सब्जी बेचने वाला ही मान लो, वो जब घर से निकलता है तो वो किसी एक व्यक्ति का टारगेट लेके नहीं चलता है कि फलाने आदमी को मैंने सब्जी बेचनी है, घर वापस आ जाना है, क्योंकि दोस्तों वो अलग अलग आदमियों को बताएगा मेरे पास सब्जियां हैं, मेरे पास फलानी सब्जी है, मेरे पास फलानी सब्जी है, वो सब्जियों के बारे में बताएगा, तब जाके उसकी सब्जियां सेल होंगी। और पता नहीं ग्राहक कौन से ग्राहक लेंगे, जो ग्राहक हो सकता है कल जिन ग्राहकों ने उनसे लिया हो वो नहीं ले, दूसरे ग्राहक ले, तो इस प्रकार से वो अपनी सब्जी सेल करता है। इसी प्रकार हमारा भी बिजनेस कुछ इसी प्रकार से है कि हमें हमारे प्रोडक्ट को बताना पड़ेगा दोस्तों, हमें ये बताना पड़ेगा कि हमारे पास क्या क्या कौन कौन सी पॉलिसियाँ हैं, हम LIC का काम करते हैं, हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट हैं उनके बारे में बताएंगे, और हम ग्राहक के पास जा कर के बताएंगे दोस्तों। और जिसकी आपने जिसकी डायरी में अपना जो नाम लिख रखा है कि आज हमें किसी से मिलना है, आप जा रहे हैं रास्ते में, लेकिन हो सकता है वो जिसके पास आप जा रहे हो वो मना कर दे और रास्ते में आपको एक दूसरी पॉलिसी मिल जाए दोस्तों। ये मेरे साथ हुआ, बहुत बार हुआ है दोस्तों। 2008 से मैं LIC का काम कर रहा हूँ और मैंने ये देखा है कि जिसके लिए मैं गया वहाँ पॉलिसी मुझे नहीं मिली, उन्होंने मना कर दिया, और मैं आते वक्त ये सोच ही रहा था कि आज तो पूरा दिन बेकार हो गया, लेकिन आते वक्त मुझे पॉलिसी मिल गई दोस्तों। तो कई बार ऐसा होता है कि जहाँ हम बैठते हैं वहाँ भी हमारे पास ग्राहक होते हैं, जो हम जैसे मोटरसाइकिल की पंचर निकलवा रहे हैं। एक बार मेरे साथ ऐसा ही हुआ था दोस्तों, एक बार क्या कई बार हुआ है ऐसा भी, मैं मोटरसाइकिल की पंचर निकलवा रहा था कि एक अध्यापक वहाँ पे पहुँच गए, उनकी भी मोटरसाइकिल पंचर हुई हुई थी। ऐसे ही हम दोनों बैठे हुए थे तो हमारे साथ में चर्चा हो गई कि तुम क्या करते हो, आप क्या करते हो। अब पूरे बारे में मैंने भी बताया कि मैं LIC का काम करता हूँ और मैं फलानी ब्रांच में हूँ। ऐसे बातें करते करते ही दोस्तों मेरी एक पॉलिसी पक्की हो गई दोस्तों। वहाँ पे उन्होंने मुझे 2-3 दिन बाद में आने को कहा और मैं सुबह के वक्त में उनके पास पहुंच गया। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा दोस्तों, जब भी मैं सुबह जाता हूं तो पॉलिसियाँ होती है, दिन में पॉलिसियाँ नहीं होती है, सेल नहीं होती है दिन में। सुबह का जो वक्त है वो एक फ्रेश माइंड का वक्त होता है दोस्तों, वहाँ पे एक नई ऊर्जा मिली हुई होती है। दिन में काफ़ी स्ट्रेस हो जाता है लोगों को, दिन में बहुत सारी टेंशनें हो जाती हैं। मैंने ये चीज़ नोट करी है दोस्तों कि जो सुबह के वक्त में पॉलिसियाँ जो सेल होती है ना, वो फिर दिन में सेल नहीं होती है दोस्तों, सुबह में सही सेल होती है दोस्तों। सुबह मैंने ये देखा है, जब भी मैं सुबह के निकला घर से तो कुछ न कुछ मुझे ज़रूर मिला है, या पॉलिसी मिली हो चाहे आश्वासन मिला हो पॉलिसी का, लेकिन मिला ज़रूर है। दिन में ऐसा नहीं होता है, कम होता है, दिन में भी अगर मेहनत करते हैं तो मिलती है, ऐसी कोई बात नहीं है,
लेकिन सुबह का वक्त बहुत सही रहता है दोस्तों। अब एक चीज और बता देता हूँ दोस्तों बीच में ही दोस्तों, जैसा कि हमारा ये माइंड है दोस्तों, ये माइंड को थोड़ा सा हमें धोखा देना पड़ेगा दोस्तों। वो धोखा ऐसे देना पड़ेगा कि जैसे मैंने सीएम का टारगेट बनाया इस साल, अब सीएम के लिए मुझे कम से कम 150 पॉलिसी या 140 पॉलिसी करनी पड़ेगी। वैसे 130 पॉलिसियों का ही टारगेट है सीएम का, लेकिन मैं 10 एक्स्ट्रा इसलिए बता रहा हूँ, हो सकता है मेरी जो गत वर्ष जो पॉलिसियाँ बनाई थी उनमें से 10 पॉलिसियाँ लैप्स हो जाए, बंद हो जाए। तो दोस्तों जो गत वर्ष जो हम पॉलिसी बनाते हैं वो पॉलिसियाँ बंद हो जाती हैं तो वो इस वर्ष में कट जाती है दोस्तों। अगर जैसे मान लो गत वर्ष मैंने 70 पॉलिसी बनाई थी, उनमें से 10 पॉलिसियाँ कम हो गई, लैप्स हो गई, बंद हो गई, तो इस साल के जो टारगेट में वो 10 पॉलिसियाँ अपने आप ही घट जाएंगी दोस्तों। यहाँ पे हमने अगर 150 पॉलिसी बनाई तो 10 पॉलिसी कट के 140 ही बताएगा सिस्टम हमें, क्योंकि वो 10 पॉलिसियाँ इस साल की टारगेट में कट जाती है, तो उसकी जगह हमें एक्स्ट्रा बनानी पड़ेगी। तो जैसे मान लो मैं 150 पॉलिसियों का टारगेट लेके चलता हूँ, अब 150 पॉलिसी मुझे बनानी है, तो मेरा माइंड कर बोलेगा अरे 150 पॉलिसी कैसी हो पाएगी, मतलब ये डराएगा मुझे, दिमाग मेरा जो माइंड है ना ये डराएगा मुझे। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे करना चाहिए कि छोटा टारगेट बना देना चाहिए, मुझे बनाना चाहिए कि मैं 2 महीने में 30 पॉलिसियाँ बनाऊँगा। तो जैसे ही मैं 2 महीने में 30 पॉलिसी का जो टारगेट रखूँगा तो मेरा ये माइंड है ना वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा, और 2 महीने में 30 पॉलिसी मैं कंप्लीट जैसे ही करता हूँ तो फिर और उत्साह बढ़ेगा, फिर मैं अगले 2 महीने में 30 बनाऊँगा, तो ऐसे उत्साह बढ़ेगा। और जैसे जैसे हम टारगेट के नज़दीक आएंगे और जैसे जैसे हमारा उत्साह बढ़ेगा और हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा दोस्तों इस प्रकार से। आप दोस्तों बताता हूँ कि मैं आपको ग्राहक कहाँ मिलेंगे, ग्राहक दोस्तों हमारे आसपास ही मिलेंगे, हमारे आसपास स्कूल है, हमारे पास आसपास हम जो हमारे आसपास की स्कूलें हैं वहाँ पे हम जा सकते हैं और थोड़ा थोड़ा टाइम उनको दे सकते हैं। जैसे लंच का टाइम होता है दोपहर में, और कोई ऐसा टाइम हो जिस टाइम पे वो फ्री बैठे हों तो वहाँ पे भी बात कर सकते हैं। और स्कूल में वहाँ पे हम शुरू में LIC की बात न करके उनसे पहले जान पहचान कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे आसपास जो पुलिस थाना होता है उसके हमारे आसपास तहसील होती है, हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जो जिनसे हम वहाँ पे हमारी किसी न किसी से मुलाकात होगी और वहाँ पे हमें ग्राहक भी मिल जाएंगे। और जो आपको लगता है कि ये यहाँ हमारी पॉलिसी सेल होगी उनके नंबर आप डायरी में नोट कर लो और लिस्ट बना लो दोस्तों, फिर आप लिस्ट के हिसाब से चलो कि आज हमें इनसे मिलना है, आज इनसे मिलना है, भले वो पॉलिसी हो नहीं हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम किसी के लिए गए और पॉलिसी हमारी सेल हो गई। नहीं भी हुई तो कौन सी हमारी फैक्ट्री में आग लग गई दोस्तों, हम तो कुछ लेके ही नहीं गए तो जो खो के आ गए, हमारे पास तो प्रोडक्ट है, कोई सेल होगा तो हमारा टारगेट बढ़ेगा और कोई ले भी गा और कोई मना भी करेगा, सभी थोड़ी ना लेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से हमें आसपास में ये हो गए, आसपास में हमारे पेट्रोल पंप होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके आसपास हमें ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जिनके पास रोजगार के स्रोत हैं और वो पॉलिसी ले सकते हैं दोस्तों। अगर हम उनको नहीं बताएंगे तो वो किसी और से पॉलिसी लेंगे। और एक चीज़ ज़रूर से याद रखें दोस्तों कि अगर कोई पॉलिसी के लिए मना भी करे तो भी आपको मुस्कराना ही है, क्योंकि आपकी कोई फैक्ट्री में आग नहीं लगी है दोस्तों, आपको फिर भी मुस्कराना है। और अगर पॉलिसी मिले तो आप मुस्कुराओगे, ये उसमें तो कोई वो नहीं है, लेकिन पॉलिसी नहीं भी मिले तो भी मुस्कराना है दोस्तों, क्योंकि ये अपने माइंड में ये नहीं रखना है कि किसी ने हमारे से ली और किसी ने नहीं ली, हो सकता है अगले वाले का अभी मूड नहीं हो सकता है अभी उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं हो, लेकिन वो भविष्य में आने वाले भविष्य में हमारा ग्राहक ज़रूर है, वो हमसे पॉलिसी ज़रूर लेगा। मैंने ये देखा है दोस्तों जो जिन्होंने मेरे से पॉलिसी नहीं ली और मैंने उनको कहा कि सर ठीक है आपके पास अभी पॉलिसियाँ ज़्यादा है और आप नहीं पॉलिसी ले सकते, तो आपकी पुरानी पॉलिसियों की अगर कोई समस्या हो तो वो मुझे सेवा का मौका ज़रूर दें और मैं
ऐसे बहुत सारे ग्राहक थे जिनका मैंने ऐसे ही काम करके और ऐसे ही उनके दिल में जगह बना करके पॉलिसियां बनाई है दोस्तों, क्योंकि ग्राहक भी सेटिस्फाई होना चाहता है दोस्तों। ग्राहक भी सेटिस्फाई होना चाहता है कि जिससे मैं पॉलिसी करवा रहा हूँ वो आदमी कैसा है, क्योंकि अगर वो सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो हमारे से पॉलिसी नहीं लेगा, तो वो हमारे से जाते ही पॉलिसी थोड़ी ले लेगा। वो तो पहले तो हमें चेक करेगा ना कि ये आदमी कैसा है, इसका व्यवहार कैसा है। हम जाते ही किसी से मिल जाएंगे और पॉलिसी हो भी सकती है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि जाते ही, ये ऐसा भी हुआ है कभी जो हम पहली बार ही गए और पॉलिसी सेल हो गई, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट पॉलिसी सेल नहीं होती है क्योंकि हम उनके इतने करीब नहीं आते और उनके उनसे हमारी इतनी जान पहचान और इतना वो नहीं रहता है, और जैसे जैसे हमारी मुलाकात होती रहती है वैसे वैसे उनका हमारे ऊपर ट्रस्ट बढ़ जाता है या विश्वास बढ़ जाता है दोस्तों, और जैसे जैसे विश्वास बढ़ता है पॉलिसियाँ होती है दोस्तों, सेल होती है पॉलिसियाँ। ये मैंने देखा है, 2008 से मैं LIC का काम कर रहा हूँ दोस्तों। जिनकी अभी नई नई शादी हुई है वो भी पॉलिसी हमारे से ले सकते हैं, जिनकी नई नई हम अभी जो सर्विस लगी है नौकरी लगी है तो उनके टच में रहिए, वो भी आपसे पॉलिसी ले सकते हैं। और जो हम जिनसे काम करवाते हैं, जैसे मान लो आप किसी से मकान का कोई काम करवा रहे हैं या कोई किसी से कोई और कार्य करा रहे हैं जो आप, वो भी आपके ग्राहक हो सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों मैं तो हमेशा मेरी दुकान साथ में रखता हूँ, मैं तो अगर कोई रिलेशनशिप में भी जाता हूँ तो मेरे जो गाड़ी की डिक्की है उसमें पूरे फॉर्म रखता हूँ दोस्तों, और हो सकता है मुझे वहाँ बातों बातों में ग्राहक मिल जाए। तो मैं अपना काम कोई ऐसा तो है नहीं कि हमारी कोई फिक्स ड्यूटी है 10 बजे से 5 बजे तक काम करना है फिर टेंशन फ्री, क्योंकि हमें तो टारगेट पूरा करना रहता है, तो हमारी कोई हमारी टाइम की लिमिट नहीं होती है। जितनी पॉलिसियाँ बनाएंगे, जितनी पॉलिसियाँ सेल करेंगे उतना ही हमारा टारगेट पूरा होगा दोस्तों। ग्राहक हमारे आसपास ही होते हैं, सिर्फ हमें उन्हें ग्राहक की नज़र से देखना पड़ेगा दोस्तों, बल्कि हमारे आसपास इतने ग्राहक होते हैं, इतने ग्राहक होते हैं दोस्तों कि 2-3 किलोमीटर के एरिया में हमारा टारगेट पूरा हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं 2008 से LIC का काम कर रहा हूँ और प्रेजेंट में मैं DM क्लब मेंबर हूँ, और 2 साल मैंने ZM का टारगेट पूरा कर लिया है, और जो भी मेरा एक्सपीरियंस होता है वो मैं आपको ज़रूर शेयर करता हूँ दोस्तों। तो मेरे चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर दें, और लाइक करना ना भूलें दोस्तों, लाइक ज़रूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।